खाद्य पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्री में छापा। दो दर्जन प्रोडक्ट के लिए नमूने, सील हुई फैक्ट्री। हरपालपुर नगर के बस स्टैंड के पास नौगांव रोड में स्थित एक फैक्ट्री में प्रशासन की छापामार कार्यवाही हुई है। छापा के दौरान श्री साई प्रोडक्ट डबरा एवं कामता नाथ प्रोडक्ट हरपालपुर के रैपर मिले हैं। SDM, SDOP, DI, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थित में फैक्ट्री से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जा रहा है। वह फैक्ट्री को सील किया गया है। जानकारी के मुताबिक नौगांव SDM विनय द्विवेदी, SDOP कमल कुमार जैन, तहसीलदार पीयूष दीक्षित, ड्रग इंस्पेक्टर देवेंद्र जैन, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि अधिकारी अमित वर्मा नौगांव रोड पर स्थित खाद्य पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्री पर दोपहर 2 बजे छापामार कार्यवाही करने पहुँचे। मौके पर कोला, पॉपकॉर्न, पास्ता, चाउमीन, बेदनादन, आलू भुजिया, दाल फ्राई, पुंगा सहित करीब 2 दर्जन प्रोडक्ट मिले हैं। इन सभी के सैंपल लिए गए हैं। डबरा की राजकुमारी साहू पत्नी विनोद साहू द्वारा किराए का भवन लेकर फैक्ट्री संचालित की जा रही है। 7 कमरों में चल रही फैक्ट्री में 3 मशीनें, पैकिंग मशीन, भट्टी, तेल सहित अन्य सामग्री मिली है। मौके पर नियमों का पालन नहीं किया गया। दूषित खाद्य पदार्थों को बाजार में जाने से रोकने के प्रयास में यह कार्यवाही चल रही है। पुलिस द्वारा फर्म मालिक एवं मौके पर मिले विनोद विश्वकर्मा के नाम IPC की धारा 420, 269, 34 के तहत FIR दर्ज की। सर, जो आज की कार्रवाई हुई, क्या क्या उसके संबंध में ये कार्रवाई हुई? सूचना मिली थी, जो सब खाद्य पदार्थ तेल जो है उसका मतलब खाने योग्य नहीं होता, उससे फूड आइडियल का उपयोग किया बनाया जाता है। जी सर, उसी संबंध में हमारे साथ जो नवा साहब, तहसीलदार साहब और हमारे साथ बड़ा जमीन कटका करके अपना निरीक्षण किया, जो मौके पर पाया भी गया कि जो तेल का उपयोग किया जा रहा है वो आज यानी कि सही कंडीशन का नहीं है, इस कारण हमने जब्त किया है। जो बनाने वाली सामग्री है उस पर, उसके लिए हमने जो तेल है, जिसमें तेल है, वनस्पति है, जो मसाला है, उन सबके लिए हमने सैंपल ले। कब तक सर इसकी रिपोर्ट आएगी और मालूम चलेगा कि ये खाने लायक है या नहीं? जांच के लिए हम भेज रहे हैं भोपाल का एक मंथ टाइम। धन्यवाद सर। क्या कार्रवाई हुई और क्या फैक्ट्री को सील किया गया? क्या हाँ, हमें एक सूचना मिली थी कि यहाँ पर खाद्य पदार्थों का निर्माण हो रहा है, मतलब उसमें जो खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं उनमें अच्छी क्वालिटी का तेल और दूसरी चीज़ें यूज़ नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर मौके पर पुलिस और राजस्व खाद्य विभाग की टीम आई थी और हम लोगों ने वहाँ पे जो तेल वगैरह है उसको सील किए, वो लिया है, सैंपल लिया है। और वो जो सैंपल लिए गए सर, उसमें जो पैक्ड आइटम हैं थे उसके से उसके सैंपल लिए गए हैं और तेल वगैरह के, मसालों के, सबके सैंपल लिए गए हैं और सील किया गया है बिल्डिंग को। हाँ, फैक्ट्री सील किया गया और FIR की कार्रवाई। प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे, क्या लोगों, बच्चों के स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव डाल रहे थे?
अब ये तो जब सैंपल का रिपोर्ट की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही पता चल जाएगा, लेकिन वो हानिकारक लग रहे थे क्योंकि तेल वगैरह जमा हुआ था वहाँ पर मौके पर, जो हम लोगों ने सामान देखा कलर थे वहाँ पर और मसाले जो लग रहे थे वो पैक नहीं थे और उनके इन्वाइसेस भी नहीं थे जो वहाँ पर सामान रखा हुआ था। ये हरपालपुर क्षेत्र में कलेक्टर महोदय एवं SP महोदय के निर्देशानुसार छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें SDOP साहब, TI साहब, तहसीलदार और फूड सेफ्टी के फूड ऑफिसर सभी के साथ में छापामार कार्रवाई पे वहाँ पर बच्चों के खाने वाले पोंगे जो होते हैं वो वहाँ पर काफ़ी रफ मात्रा में मिले हैं और उनका दुकान का नाम है कामतानाथ गृह उद्योग, प्रोप्राइटर राजकुमारी साहू, इनके द्वारा बनाए जाते थे, खराब तेल का उपयोग किया उनने, साथ में वहाँ पर मसाले में रंग मिला पाया गया, पुंगे खराब मात्रा में थे, भुने हुए दिख रहे थे, जब तक कार्रवाई की गई साथ में FIR कराई गई। धन्यवाद।